professionalism of you guys. Yeah, you sell 1000 KTM 390 adventure bike in a month in India. जस्ट इमेजिन बड़ौदा में आपकी क्या वॉल्यूम होगी। बड़ौदा बहुत छोटा शहर है, आप वहां पे भी अपने सबसे टॉप सबसे महंगी बाइक के कस्टमर को अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आप बता क्या हो गया, क्या हुआ, क्या है। हुआ क्या है वो तो बताओ। अब मैं अब क्यों आ गया इसमें भाई, भाग जाता हूँ इधर से। मैं मेरे ऊपर भाग रही थी अभी, मैं बच गया। क्या हो गया रे, ये रोना बंद करो अभी, बहुत हो गया। सॉरी। तो अभी जस्ट मॉर्निंग 11 बजे। ओ बात करने दो मुझे, क्या चल रहा है। बस करो बेटा, तो अभी जस्ट मॉर्निंग केटीएम की तरफ से एक डू योर सेल्फ मीटिंग अचानक ऑर्गेनाइज, मतलब दो तीन दिन से मैसेज आ रहा था, तो आज मीटिंग अटेंड करी। कैसे बाइक को केयर करना है, कैसे उसका सब स्पेयर पार्ट्स वो सब बता रहे थे मीटिंग में, तो जस्ट मीटिंग देख रहे थे और नीचे ये हंगामा चालू कर दिया वंशु ने। और आज वंशु एंड ध्रुवी भावना सब चले जाएंगे अपने घर, क्योंकि अभी भावना की तबीयत सही हो गई है, थोड़े दिनों से बीमार थी तो इधर आ गई थी रेस्ट करने, अभी बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा बहुत सही हो गई है, तो आज इन लोगों को छोड़ने जाएंगे। चलो अभी खेलने लग गए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रफुल्ल भाई तो 30, 31, 32 वीडियो अपने कंटिन्यू जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, ग्रोथ धीरे धीरे करेंगे, नहीं भी होगा तो भी हम कंटिन्यू करेंगे, नो इशू, कोई बात नहीं। अभी हम गए थे ऑफिस, इतनी धूप में गए थे ऑफिस प्रिंट आउट लेने, जो कुछ एक तो प्रिंट आउट बाकी थी, कल तो मैं सब लेके आ गया था, बट आज कुछ प्रिंट आउट बाकी थी। गाड़ी 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 और धूप का क्या कहना, मज़े ले रहे हैं बाकी धूप के। चलो अभी बैठते हैं अपनी गाड़ी में, घर पे पहुँच के ये एक्टिवा रखेंगे और मुंद्रा के लिए निकलते हैं बड़ी गाड़ी में, और आज मेरे ख्याल से सुबह हो जाएगी वहाँ पर ही। हम आज बहुत जल्दी आ गए हैं एंड अभी तक हमारा शिप बर्थ नहीं हुआ, हो जाएगा जल्दी, तो काम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। चाय भी नहीं मिली आज तो, कैंटीन भी बंद है, तो वैसे आज पूरा वेट करेंगे सर का किधर से आ जाए। तो अभी काम चालू ही हो रहा है एंड टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, अभी तो भूख लग गई। एक्चुअली बीच में कैंटीन आई थी तो मैंने वहाँ पर थोड़ा वेफर्स खा लिए क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लग गया था शाम को आ रात के बाद। तो अभी 8:30-9 बजे शिप पर चढ़ा हूँ और 1.5 घंटे से ऊपर ही हूँ एंड काम चालू है अभी भी कंटिन्यू, और 10 बज रहे हैं। पता नहीं आज पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल गया एंड कुछ शूट नहीं हुआ, फोकस आया ही नहीं वीडियो में, क्या करूँ, कोई बात नहीं, नो इशू। अभी घर पे शायद 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो उतने टाइम तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। ओके माय फ्रेंड, टेक दिस, थैंक यू, चलो 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 मनोज भाई चलते हैं अभी।
हमारी फेमस सतलुज लॉज है, नॉर्मली हम यहीं पर ही खाना खाते हैं और आज हो गए हम लेट और अभी मैं यहाँ से शॉर्टकट लूँगा, अगर लू पाऊँगा तो गिर जाऊँगा, तो गिर जाऊँगा। निकल गया मनोज भाई, किधर गए? पास में ही है शेल, शेल का पेट्रोल पंप और यहाँ पर छोटा सा कैफे है, यहाँ पे अच्छी अच्छी स्वीट्स चीज़ें मिलती है। मैं शायद चॉकलेट की तलाश में आ गया हूँ, चॉकलेट खाएंगे। आज जिम भी नहीं जा पाए यार, और यहीं पर ही अपने 12 या 11 बज रहे हैं। वाह, एक अमूल कूल एंड चॉकलेट ले ली मैंने खाना खाने के बाद, फ्रूट यहाँ पर है नहीं तो चॉकलेट ले लेते हैं। एंड अभी मुझे वो यहीं से फिर से कूद के जाना पड़ेगा या फिर मैं घूम के जाऊँगा तो सही है, वॉक हो जाएगी। नॉर्मली रात को मौकर थे, मनोज भाई ढूंढ रहे होंगे मुझे। दो बज रहे हैं एंड अभी पहुंचे घर पे, गाड़ी में मस्त एसी लगी, मैं थोड़ी देर तो सो भी गया था और नींद से गाड़ी में घर पे जैसे तैसे पहुँचे। एंड आज का वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, 2 बज रहे हैं। Thank you.